नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टॉप इंडिया और मैं हूं जगतपाल। और इस पूरे घटना में अभी जिस प्रकार की वस्तुस्थिति बनी हुई है और निश्चित रूप से विचारणीय तथ्य है, और आज हमारे बीच में बैठे हैं जगमोहन जी, जो पंचप्रगना के सेक्रेटरी हैं माले, किसके माले पार्टी से, और आज हम इनसे चर्चा कर रहे हैं। सवाल वही है, सवाल यही है कि आज एक जिंदगी, किसी की जिंदगी का मौत कह सकते हैं या किसी की जिंदगी का बेचा जाना का सवाल है। प्रश्न ये उठता है कि जब आप 31 तारीख को डीसी को इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसके बाद क्या कार्रवाई होती है पुलिस के माध्यम से? उसमें सीओ ये सब की टीम जाती है और वहाँ जांच पड़ताल करके वापस आती है। जब सबसे पहला सवाल, आप जब आप एक समाज के सचेतक हैं, आप इस तरह के चीज़ों के साथ हमेशा एक्टिव रहते हैं, समाज में कई ऐसे चीज़ों को लेकर के आप उठाते हैं, आवाज़ उठाते हैं, ये आप लोगों के पास ये सब चीज़ें आप बहुत साल से लंबे समय से कर रहे हैं। पहला सवाल ये है कि जब डीसी वहाँ पर उनको भेजते हैं या चाहे सीओ जाते हैं, तो जैसा कि हमें पता चला कि वो केवल और केवल उस चौक पर जाते हैं, जबकि उसको पता है कि वहाँ पर अंदर में बहुत सारी चीज़ें चलेंगी, लेकिन चौक से वापस लौटते हैं, ऐसा क्यों होता है ऐसा? कहीं ना कहीं उस विषय के लेके वो गंभीर नहीं है और लगता है कि वो खानापूर्ति करना चाह रहे हैं। तो खानापूर्ति जब डीसी का आदेश है और खानापूर्ति करने के हिसाब से गए हैं, तो फिर इसका मतलब तो यही हुआ कहीं ना कहीं आप डीसी का भी ऑर्डर को आप नहीं मान रहे हैं। वो तो वहीं तक नहीं रुकते हैं, वहां तक हम लोग के साथी से जब फोन में बात होता है तो वो तो उन्हीं को आरोप मरते हैं कि आप लोग गलत शब्द का, ऐसा कुछ भी नहीं है, इन लोग सामाजिक काम में आए हैं और सामाजिक काम के लिए सारे लोग हैं। ये तस्कर वाला शब्द आप लोग गलत बोल रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। सवाल ये है कि जब आपका डीसी संज्ञान लेते हैं, आप डीसी को जब इन्फॉर्मेशन करते हैं और आप जब थाना प्रभारी हैं और जा करके आप पूरा गांव पे भी नहीं जाते हैं, और शायद आपको पता ये भी नहीं है कि उन चार लोगों के अलावा दो ऐसी लड़कियां भी हैं जो नाबालिग हैं, इसकी भी सूचना पुलिस को नहीं मिलती, तो ऐसा क्यों होता है? डीसी का भी आपने, इसका मतलब डीसी का भी आप जो आदेश का पालन नहीं कर रहे, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? जैसे बोले ना कि मैंने वो खानापूर्ति करना चाह रहे हैं, या तो कहीं ना कहीं इन लोगों से एक बातचीत हो गई होगी, इन लोगों से जो बाहर से आए सेटिंग हो गई सेटिंग, मैंने आप रिश्वत ले लिए। अब सीधे तौर पे तो क्या कहे, पूरी प्रक्रिया तो निश्चित है कि वो पक्षपाती कर रहे थे, या तो उस चीजों से बचना चाह रहे थे वो लॉकडाउन का कारण बता के, लेकिन लॉकडाउन के अलावा भी लगता है कि पूरे हम लोग पिछले मामले को भी बोले ना कि ये प्रशासन है पहली बार तो इस मामले को उस तौर पर नहीं देखती है कि वो मानने को तैयारी नहीं रहती कि ये कोई मानव तस्करी का मामला है। शायद ज्यादा जवाबदेही वो पड़ जाएगा। सवाल ये है कि आप एक लड़की को अनगड़ा से उठा के लाते हैं, आप अनगड़ा से उठा के लाते हैं कि अनगड़ा का है कहीं और का है क्या है नहीं है, आप पूरा संज्ञान लिए बगैर आप वापस बिना चेक किया बगैर आप चौक से वापस लौट के आते हैं, क्या यही काम है पुलिस का? बिल्कुल नहीं है। तो फिर आप जब ये काम नहीं है तो फिर आप इस पूरे संज्ञान लिए बगैर आप पुलिस का काम पूरा किए बगैर वापस लौट के आते हैं, इसका मतलब आप आदमी किस पर भरोसा करेगा, प्रशासन पर भरोसा करेगा कि या नहीं करेगा? कि आदमी किसी को तकलीफ होगा तो आदमी कहाँ जाएगा? आज वही आदमी धोखा दे रहा है तो किस पर भरोसा करेगा आदमी आखिर? वो तो है, लोगों के लिए बड़ी सवाल है, इसीलिए तो ये निर्वाध गति से चलता रहा है। ये कई सारे सामाजिक संगठन, पंचायत समिति, हमारे साथी लोग हस्तक्षेप नहीं करते, तो कहीं ना कहीं प्रशासन तो इसको तो रफा रफा करके निकल चुकी होती, वो इस पर कहीं गंभीर थे ही नहीं। इसका मतलब तो यही, ऊपर से वो प्रेशर, वो सारा प्रक्रिया और प्रेशर तो लॉकडाउन की वजह से ज्यादा नहीं बन पाया, नहीं तो ये प्रशासन मैंने जो अभी स्थिति में है ना, इतना शांत रहती भी नहीं। फर्स्ट फेज में लोग कहते हैं कि नहीं ये कानछेदी का कार्यक्रम में है, और जबकि पता चलता है कि कानछेदी का कार्यक्रम बहुत लंबे समय के बाद, और यहां तक पता चला कि जिस दिन कांचदी होने की बात कही जा रही है वो कांचदी वहां है ही नहीं, उसके लड़के वहां घर पे है ही नहीं, तो कांचदी किसके कर रहा था? एक मनगढ़ंत कहानी गढ़ा गया पूरे मामले को लेके। ये हम जैसे बोले ना पचपरना में इस लंबे समय से इस टाइप से चल रहा है, और एक सामाजिक उसमें कुरीति कही, इस वजह से कोई उसको चेक भी नहीं करता है, और ये लोग भी लॉकडाउन नहीं होता तो फंसते भी नहीं। आप जगमोहन जी एक चीज बताइए, आप सपोज करिए कि आप थाना प्रभारी है, आपको जब आदेश आता है, आपको आदेश आता है कि इसकी छानबीन करिए, लेकिन आप इसकी छानबीन क्या करते हैं कि आप जाकर के चौक से दो चार आदमी से पूछ के आते हैं? आप एक बात बताइए कि जब एक आदमी एक भरोसा करता है एक प्रशासन के, भाई कोई भी प्रॉब्लम होगा तो हम प्रशासन को बोलेंगे, तो इस नाते कल के तारीख में, ये तो अभी बात उजागर हुई था ना, कल के तारीख में किसी के साथ ऐसा हादसा हो जाएगा तो आदमी किसके साथ अपना मुंह लेकर के जाएगा, कहां न्याय खोजने के लिए जाएगा? आप अगर एक थानेदार होते तो आप यही करते? बिल्कुल नहीं, पूरी चीजों के लिए गंभीर होना चाहिए प्रशासन को, प्रशासन पे नहीं तो एक किस्म के कहें, भले ऊपर के पदाधिकारी भले रिस्पॉन्स दे रहे हैं, नीचे के लोग इस टाइप से करेंगे तो एक विश्वसनीयता है इनकी खत्म हो जाएगी,
इनको भी रखना चाहिए क्योंकि जनता के लिए ही है, उनके संरक्षण के लिए, उनके सुरक्षा के लिए है, और इसी काम को ये नहीं निभाएंगे तो इनकी जो कहे ना विश्वसनीयता बिल्कुल जनता के बीच। सवाल बहुत बड़ा ये भी आ रहा है कि जब पंचायत समिति के सदस्य आपके थाना में पहुंचते हैं और थाना में भी आपसे बातचीत होती है, वो दोनों लड़कियां भी आती हैं, हालांकि रेस्क्यू हुआ है, ठीक है, हमारे स्टिंग ऑपरेशन होता है, उसके बाद भी आप थाना पहुंचने के बाद भी इस मामले को एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं। वो पहले से परसेप्शन बना के रखे हैं, एक धारणा बना के रखे हैं। इसका मतलब ये है कि आप सपोज करिए किसी का कोई कत्ल कर रहा है और कत्ल करते हुए कोई वीडियो करेगा तब आप भरोसा करेंगे कि गलत है? बिल्कुल नहीं, हम कह रहे हैं कि कोई झूठा भी करे, जो भी करे, कोई यदि शिकायत कर रहा है तो शिकायत को उसको तो संज्ञान में लेना चाहिए। अच्छा, वो द्रौपदी देवी जो कि हुमटा के पंचायत समिति हैं, उनको अंतिम रूप में उनको लिखित देना पड़ा कि ये सब चीजें, और उसके बावजूद भी उस व्यक्ति के साथ जो इलेक्टेड पर्सन है, जो पंचायत समिति के सदस्य हैं, उनके साथ भी मिसबिहेव होता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप इस शक के घेरे में आ रहे हैं कि आपका नजरिया सही नहीं है। ये जो भी कर लें, एक बात तो निश्चित है, इनको बुंडू प्रशासन को समझ लेना चाहिए। कल तक माने वो रूपेश सोंसी का मामला हो, वो अमृता का मामला हो, चाहे उस दौर का कठल टोली की महिला, बुंडू की जनता ऐसे पछपाती रवैये को पसंद नहीं करती है, न बर्दाश्त करती है। आखिर वो उस महिला को लिखित बयान देना पड़ा कि इसकी एफआईआर करिए, और जब वो रिसीव लेने के लिए गई तो उस पर उस वक्त ये बोला जाता है कि आप अपना भविष्य क्यों खराब कर रही हैं। जब वो रिसीविंग लेने के लिए जाती है तो उससे ये कहा जाता है प्रशासन की तरफ से कि आप अपना भविष्य क्यों खराब कर रही हैं, ये हमारे स्टेटमेंट में आया है। इसका मतलब आप क्या जाहिर करना चाहते हैं? कहीं ना कहीं मैंने वो चीजों को किसी तरीके से रफा दफा कर दे, यही कोशिश रहा उनका। मतलब पूरी तरीके से ये बात सामने आ रही है कि आप इस पूरे घटनाक्रम में आप पड़ताल करने में फेल है, आपका सिस्टम फेल है, आप ये भरोसा लोगों को नहीं दे सकते कि हम आपका सुरक्षा कर सकते हैं। शायद एक एंगल से वो चीजों को जांच रहे थे, और जो वो चाहते हैं जब धरना बना के रखे हैं उसको साबित भी कर जांच करने के लिए तैयार ही नहीं थे आप, तो लिखित बयान ही लेने के लिए तैयार नहीं थे। जांच करना नहीं था, ये कोई तस्करी का मामला नहीं है, ये बस उनको एक रिपोर्ट भेजना था। तो आप ये बताइए कि इस पूरे मामला के अंदर में अगर आप जांच करने के लिए पहले रेडी नहीं थे, आपको लिखित बयान दिया गया, उसके बाद भी आप ये कह रहे हैं कि नहीं मामला बिल्कुल छोटा सा है लेकिन मामला बहुत गंभीर है, बहुत गंभीर है और इस मामले को गंभीरता से लेने की जरूरत है। बिल्कुल लेने की जरूरत है, हम तो कह रहे हैं कि लॉ ऑर्डर जिनके ऊपर निर्भर है, जनता का पूरा सुरक्षा का जिनके ऊपर जवाबदेही है, वो यदि इस तरीके से खिलवाड़ करेंगे या एक किस्म का कहे कि रफा दफा करने का या खानापूर्ति करेंगे तो कहीं से भी ये ठीक बात नहीं है। उनको सारी चीज़ों को बढ़िया से मेंटेन करना चाहिए और इस टाइप की घटनाएं पहले जांचे, पहले एक धारणा बना के ना रखें क्या है नहीं है, पहले जांचे और गहराई से जाए, क्योंकि इनकी जांच में ये तो कहे कि लड़की भी दो नहीं है, लड़की बाद में दो निकल के आई, ये तो पहले स्टेप में ही गलत हो गए। ये जो सामाजिक कार्यक्रम का लड़की रात को आती है, हाँ, लड़की को रात में लाया जाता है और लड़की को रात में ला करके बकायदा एक स्थान से दूसरे स्थान ला करके उसको घर से निकलने नहीं दिया जाता है। शुरुआत में तो ये लड़की है ही नहीं, ये समझदारी के साथ चले, बाद में लड़की निकल कर आई तो शादी का एक कहानी कर दिए, और शादी भी जब वो लगा कि नाबालिग है तो बोले अब कैंसिल है, अब लड़की के बयान को भी वो नहीं मानेंगे, तो कहीं ना कहीं पूरा मामला ही संदिग्ध है। तो इस तरीके से आप उस लड़की को कहीं और से लाया जाता है, घर से नहीं निकलने दिया जाता है, इसका मतलब वो समाज के साथ ना जुड़े, अगर समाज का जुड़ जाएगा तो हो सकता है बात और ज्यादा फैल जाएगी, फैल जाएगा है? और कहीं ना कहीं उसके बयान ये भी है स्टिंग ऑपरेशन के अंदर में, वो लड़कियों की और तलाश कर रहे हैं। आप इतने कुछ हो जाने के बाद वो लड़की का, कई बार ऐसा तो होता है ना कि भाई जब कोई घटना होती है तो लोग छोटे बच्चों से पूछते हैं तो उसके लोग बात को सार्थक मान लेते हैं, उसको पुष्टिकरण का हो जाता है, उसके बावजूद भी लड़की वो कह रही है कि हाँ और लड़कियों की भी तलाश हो रही है, और लड़कियों की भी तलाश कर रही है इस 7 दिन के दौरान जो बातचीत के दौरान, उसके बावजूद भी आप ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये तस्कर का एक हिस्सा है, ऐसा क्यों? बिल्कुल वो मानने के लिए तैयार नहीं है, कहीं ना कहीं हमको तो पूरे चीजों पे लगता है कि जब ये पूरे मामला संदिग्ध है तो ये इनके जो तौर तरीका है वो बहुत ही पूरे चीजों को खानापूर्ति करने का रहा है। इनको प्रशासन को तत्काल इन चीजों को, भले एक लॉकडाउन है इनके पास, वो है कि लॉकडाउन का एक और स्थिति बिगड़ते जा रही है झारखंड में, तो ये एक बहाने के तौर पर कह सकते हैं, लेकिन ये लॉकडाउन समाप्त होने के बाद इनकी जो पूरी लिंक है, क्योंकि ये तो प्यादे हुए हैं, हमको नहीं लगता है कि ये बड़े खिलाड़ी होंगे, बड़े खिलाड़ी तो कहीं ऊपर में होते हैं, तो वो पूरे लिंक को ढूंढना होगा, क्योंकि झारखंड की सबसे गंभीर और संवेदनशील मुद्दा है,
इसलिए पूरे मामले को प्रशासन को ही करना होगा और हम लोग उसके लिए दबाव भी बनाएंगे। चलिए, ये बहुत गंभीर मामला है और निश्चित रूप से इस बात को हम लोग मान रहे हैं। आप अगर अपनी नजर से देख रहे हैं, बहुत मामला गंभीर है और कहीं ना कहीं जवाब जो है ना संतुष्टिदायक नहीं है, कहीं ना कहीं न्याय नहीं मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो इस बात को हम और कंटिन्यू रखेंगे और आपने अपनी बातों को रखा, कहीं ना कहीं आप इस बात को पूरा संदिग्ध मान रहे हैं और कहीं ना कहीं ये घटना फेल है, तंत्र फेल है, इस बात को मानने से कोई इनकार नहीं कर सकता है। ताकि इस नजरिए से अगर देखा जाए तो ये लड़कियां आज भले उजागर हुई तो सामने आज उनकी जिंदगी बच गई, अन्यथा उनकी जिंदगी भी तबाह हो सकती थी। बिल्कुल, ये थे हमारे बीच में जगमोहन जी, अभी बातचीत कर रहे थे। धन्यवाद।